हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान देखेंगे, जिसमें हमारा है अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कारक तत्व तथा यौगिक में अंतर आपको बताना है, जिसमें पहला है अंतर हमारा कि तत्व को रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, यह एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। तो इसको हम, चूँकि एक ही है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हमारा यौगिक H2O है, तो इसको हम रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे तो नंबर 2 है, तत्व अकेले होते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये अकेला ही रहता है। जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, हमने यौगिक को H2O ले लिया, या हमने NH4 ले लिया, या NaCl ले लिया, ये सब यौगिक हो गए। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन, तो वही कह रहे हैं, इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं हमारे यौगिक में। तत्व आमतौर पर एक ही अवस्था में पाए जाते हैं। ये जितने भी तत्व होते हैं, जो गैस है वो गैसीय अवस्था में, जो आपका ठोस है ठोस अवस्था में, यानी एक ही अवस्था में होते हैं। लेकिन हमारा जो यौगिक होता है, एक से अधिक अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें, तो ये ठोस में बर्फ होता है। फिर आगे आ जाएंगे, अगर द्रव में करें तो जल होता है। फिर आगे आ जाएंगे, अगर गैस के रूप में करेंगे तो गैस में हमारा ये वाष्प होता है। तो इस तरह से हमारा यौगिक ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, लेकिन जो तत्व रहता है वह केवल एक ही अवस्था में पाया जाता है। तो ये थी हमारा फोर नंबर है हमारा अधिकतर तत्वों को कोई स्वाद नहीं होता है, माने ये जितने तत्व होते हैं अक्सर इनमें कोई स्वाद नहीं होता, जबकि जो यौगिक होता है उसके पास स्वाद होता है। यानी नमक हमारा नमकीन होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यौगिकों के अलग अलग स्वाद होते हैं, लेकिन अधिकतर तत्वों का कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये रहा हमारा, यानी तत्व और यौगिक में अंतर। आगे आइए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा तत्व के प्रकार। तत्व हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है हमारा धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है हमारा उपधातु। तो यहाँ पर हम देखेंगे धातु क्या होता है। तो धातुओं में क्या पाएंगे, धातु में जिसको हम अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यानी अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, तो परमाणु क्रमांकों में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन कहलाता है। तो जितनी धातुएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बनाते हैं, तो उन्हीं को हम धातु कहते हैं। अब आगे आ जाएंगे तो इनका जो लक्षण होता है धातुओं का, कि धातुएं चमकीली होती हैं। जैसे हमारा देखेंगे ब्रास हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये जितनी धातुएं हैं सब चमकदार होती हैं। यानी अगर ऊपर से ये चमकदार नहीं है, तो इनको अगर हम खरोचेंगे या काटेंगे तो ये अंदर से चमकदार होती हैं। तो सभी धातुएं चमकदार होती हैं, यानी चमकीली होती हैं। सभी धातुएं सुचालक होती हैं। तो जितनी धातुएं होती हैं वह सब सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से वैद्युत धारा और ताप दोनों प्रवाहित किया जा सकता है। इसीलिए खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है, चूँकि उष्मा प्रवाहित की जा सकती है, तो खाना बनाने वाला बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं। और दूसरा नंबर विद्युत की चालक होते हैं। तो जितने भी तार होते हैं वह इन्हीं धातुओं के बनाए जाते हैं। नंबर 3 है धातुओं के लक्षण में, ये तन्य होती हैं, अर्थात इन धातुओं का हम तार खींच सकते हैं। तो इस तरह से इन धातुओं का हम तार खींच सकते हैं, अर्थात जितने भी तार बनाए जाते हैं वो इन्हीं धातुओं के बनाए जाते हैं। अगला है हमारा धातुएं अघात वर्ध होते हैं, अर्थात इन धातुओं को हम पीट करके पतली चादर के रूप में इसको बना सकते हैं। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसलिए हमारी धातुएं अघात वर्ध होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं,
यानी धातुओं में धातुओं से अगर हम पीटते हैं तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो घंटा होता है जिसको बजाते हैं ये धातुओं का बनता है, या मंदिरों में जो घंटी लगी होती है वह भी धातुओं का बना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें बजाने से आवाज़ चाहिए। तो जितनी भी धातुएँ होती हैं वह प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, अर्थात उनमें हम प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके आगे के हम अधातु को तथा उपधातु को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।